क्लास शुरू करते हैं। सबको याद है मेरे ख्याल से, नहीं? सबको पीपीटी दिख रहा है मेरा? दिख रहा है मैम। तो तुम्हारा जो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन स्टार्टर कल्चर एंड फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट, बहुत ये तुम्हारा जो सब्जेक्ट है ना, ये बहुत ही खूब सब बीच बीच में आएगा ना, तो फिर एक बार सबको अलग हो। कितना स्टूडेंट है टोटल? 16 स्टूडेंट तो आ चुका है, 18 है शायद ना, 18 या 19। 26 स्टूडेंट है, बहुत आया का। 16 आ चुका, बीच बीच में आने पे ना फिर देखो हैंग कर जाएगा। तो ये जो तुम्हारा सब्जेक्ट है ना, ये बहुत सिंपल है, स्टार्टर कल्चर एंड फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट। दूध दही के बारे में तुम लोग पढ़ोगे इसमें, और एकदम बहुत इसमें ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। तो आज तुम्हारा इंट्रोडक्शन है स्टार्टर कल्चर। प्रशांत वगैरह आया कि नहीं? प्रशांत इशू इशू तुम्हारा ही बैच है ना, प्रशांत ये लोग सब। हाँ आ गया मैम। चलो तो देखो स्टार्टर कल्चर क्या होता है। देखो स्टार्टर कल्चर ऐसा कुछ भी नहीं होता जिसको कि तुमको एक याद करने का जरूरत पड़े। स्टार्टर कल्चर जैसे हम लोग दही जमाते हैं ना, दही में जो जामन डालते हैं, समझ लो कि वही स्टार्टर कल्चर है। मतलब कहने का मतलब कि हम लोग एक स्मॉल अमाउंट ऑफ इनोकुला लेते हैं, या स्मॉल अमाउंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लेते हैं, जो कि उस दही में प्रोसेस शुरू करता है फर्मेंटेशन का, और वही जो स्मॉल अमाउंट ऑफ दही है वो हमारा स्टार्टर कल्चर है। लेकिन अब इसको टेक्निकली जब हम लोग को लिखना है तो क्या लिखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर यूज इन प्रोडक्शन ऑफ कल्चर डेयरी प्रोडक्ट्स सच एज दही, योगर्ट एंड चीज, है ना, इज नोन एज स्टार्टर कल्चर, राइट। अब देखो हम लोग स्टार्टर कल्चर, तुम लोग बोलोगे कि अरे मैडम दही तो घर में ही जम जाता है, हम लोग चीज भी घर में बना लेते हैं, पनीर वनीर तो आराम से हम लोग फाड़ी लेते हैं, फिर क्या जरूरत है स्टार्टर कल्चर का? तो स्टार्टर कल्चर का इसलिए जरूरत है कि हम लोगों को ना कंट्रोल कराना है। अब जैसे देखो दही में ही हम लोग अंदाज से डाल देते हैं, तो हमें मैम योगर्ट क्या होता है मैम? दही और योगर्ट, देखो जब दही हो गया तुम्हारा घर में जब बनाते हो, मतलब उसमें कोई जो कल्चर है वो सिंगल सिंगल लैक्टोबैसिलस कल्चर होता है, और योगर्ट जो होता है ये इंडस्ट्रियल बेसिस से बनाया जाता है, इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए बनाया जाता है, जिसमें जो कल्चर है वो तुम्हारा लैक्टोबैसिलस के अलावा भी एक दो कल्चर और हो सकता है जो कि उसमें फ्लेवर वगैरह इनहेंस कराए, ठीक है ना, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल पर्पज से बनता है, तो भाई ये बीके इसलिए इसलिए हम लोग इसको। दूसरा बात है कि जो दही में नॉर्मल जो लैक्टोबैसिलस होता है वो थोड़ा तुम्हारा टाइम लेता है बनने में, है ना, 6-7 घंटा लेता है, लेकिन योगर्ट जो होता है क्योंकि कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए बनाया जाता है, इसीलिए उसमें जो हम लोग कल्चर यूज करते हैं वो हम वैसा यूज करते हैं जो कि कम टाइम में हमको तुरंत प्रोडक्शन दे दे, है ना। तो दिस इज दही और योगर्ट सेम है, सिर्फ कल्चर का डिफरेंस है। दही में तुम्हारा सिंगल कल्चर होता है और योगर्ट में तुम्हारा मिक्स कल्चर होता है, ठीक ओके है। तो अब ये अब हम इसमें आ रहे थे कि तुम लोग बोलोगे कि क्यों मैडम स्टार्टर कल्चर का जरूरत क्या है? तो जरूरत इसलिए है क्योंकि जैसे देखो हम लोग घर में तो बना लेते हैं, भाई कैसा भी रहे, थोड़ा खट्टा भी चलेगा, थोड़ा मीठा भी चलेगा, इसमें कोई ऐसा हम लोग बस ये देखते हैं कि हम लोग दही खा रहे हैं और उसमें जो बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे अंदर जा रहा है। लेकिन जब हम इंडस्ट्रियल की बात करते हैं तो इंडस्ट्रियल में हमें ये चीज देखना होता है कि उसको हमको ट्रांसपोर्ट भी करना है ना, वो एक एक लार्ज वैरायटी ऑफ जो जो हमारे कस्टमर है उसके द्वारा पसंद भी हो, और वो उसकी जो सेल्फ लाइफ है वो भी बढ़ी रहे, है ना, वो भी बढ़ा मतलब कि हमारा ज्यादा रहे, ताकि हम लोग ज्यादा दिन तक उसको स्टोर कर सके और वो हम लोग ज्यादा ट्रांसपोर्ट भी कर सके। तो इसलिए स्टार्टर कल्चर का यूज, स्टार्टर कल्चर में हम लोग क्या कहते हैं कंट्रोल, एक 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 अमाउंट, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो हम लोग डालते हैं और उसको हम लोग कंट्रोल भी करते हैं, ये नहीं कि बस डाल दिया और छोड़ दिया, है ना, जैसे कि नॉर्मल हम लोग दही में करते हैं कि इनोकुला डाला और छोड़ दिया और खाया पिया बाकी खराब हुआ तो हम लोग फेंक देते हैं। लेकिन स्टार्टर कल्चर में क्या है कि हम लोग एक प्रोसेस के बाद उस एक्सेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको हम लोग कंट्रोल भी करते हैं कि अब इससे ज्यादा वो मतलब ज्यादा इसका ग्रोथ नहीं बढ़े, नहीं तो क्या होगा एसिड का प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा हो जाएगा और फिर हमारा जो स्वाद है वो बिगड़ जाएगा। तो यही स्टार्टर कल्चर का तुम्हारा डेफिनेशन है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ कल्चर डेयरी प्रोडक्ट्स सच एज दही, योगर्ट एंड चीज, इसको तुम अलग में भी लिख सकते हो, द ऑर्गेनिज्म सिलेक्टेड फॉर दिस पर्पस ऑफ नीड टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड इफेक्ट इन द फिनिश प्रोडक्ट, है ना, डिजायर्ड इफेक्ट तुम जैसा सोच रहे हो
जिस तरह का तुम उसमें इफेक्ट सोच रहे हो उस तरह का इफेक्ट जो है वो स्टार्टर कल्चर प्रोड्यूस करे. स्टार्टर आर द ग्रुप ऑफ एक्टिव एंड डिजायरेबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैपेबल ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट डिजायरेबल चेंज इन द मिल्क प्रोडक्ट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन. दे आर केयरफुली सिलेक्टेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर डेलिबरेटली एडेड टू मिल्क इनिशिएट. इसीलिए उसको हम लोग स्टार्टर यानी कि स्टार्ट करने का जो कल्चर है उसको हम लोग स्टार्टर कल्चर कर रहे हैं. एंड कैरी आउट द डिजायर्ड फर्मेंटेशन इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट. इन द अदर वर्ड स्टार्टर ब्रिंग अबाउट द स्पेसिफिक चेंज इन द अपीयरेंस बॉडी टेक्सचर एंड फ्लेवर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट. ये तुम्हारा डेफिनेशन स्टार्टर कल्चर को जिसको जैसे भी तुम चाहो तोड़ मरोड़ के लिख सकते हो है ना. लेकिन मेन थिंग क्या है कि माइक स्टार्टर कल्चर इज नथिंग इट इज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इट इज द सिलेक्टेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर एडेड टू मिल्क टू इनिशिएट और स्टार्ट द फर्मेंटेशन प्रोसेस टू ब्रिंग अबाउट द डिजायरेबल चेंजेस और डिजायरेबल प्रोडक्ट है ना. स्टार्टर कल्चर का डेफिनेशन अगर तुमको आएगा तो तुम मतलब इतना ज्यादा नहीं लिखते नहीं इसको मिक्स करके भी तुम लिख सकते हो आराम से. देखो अभी इसमें हिस्ट्री में क्या भाई हिस्ट्री तो इसका अगर देखो तो हम लोग कब से दही खा रहे हैं और कब से इस जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है वो आज नहीं वो तो पाश्चर एरिया में ही शुरू हो गया था कि जब पाश्चर जो है वो जब बियर और जब वाइन का फर्मेंटेशन करा रहे थे उसी टाइम ये पाश्चर उसी टाइम ये तुम्हारा जो जो स्टार्टर कल्चर का जो हिस्ट्री है वो शुरू हो गया था क्योंकि जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इसका आइडेंटिफिकेशन तो पाश्चर ने भी कर लिया था. तुम्हें याद होगा कि मैंने तुम्हें हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ाया होगा कि जो हाँ पाश्चर जो है वो क्या किया था कि जो ग्रेप को क्रश करके और उसको एक में क्या किया था उसने ईस्ट डाला था और दूसरे में उसने लैक्टिक एसिड डाला था लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया डाला था. तो जो ईस्ट वाला था उसमें अच्छा फ्लेवर आया था और जिसने लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया डाला था उसमें वो उसको खराब फ्लेवर मिला था. तो उसी टाइम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का जो एक डिस्कवरी है वो हो गया था जिसको कि लेटर ऑन आइडेंटिफाई किया था लिस्टर ने है ना. इसी तरह इंडस्ट्रियल लेवल पे अगर देखा जाए तो तुम्हारा जो डेनमार्क में जर्मनी इन सब में तुम्हारा प्योर कल्चर का जो उपयोग है वो शुरुआत हो चुका था. जो तुम्हारा 1878 में जो हैंसन ने कल्चर बिजनेस शुरू किया था जो कि आज भी हमारा ये कल्चर बिजनेस जो है वो यूज होता है फॉर द डेयरी मिल्क ड्रिवन बैकिंग ऑफ द वाइन इंडस्ट्री के लिए. इनिशियली स्टार्टर स्ट्रेन वाज प्रिपेयर्ड बाय द मैन्युफैक्चरिंग बाय ग्रोइंग प्योर स्ट्रेन इन हीट स्टरलाइज मिल्क एंड उसमें कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है जब बैफर यूज किया जाता टू मेंटेन अ न्यूट्रल पीएच. तो कैल्शियम कार्बोनेट हम लोग इसलिए यूज करते थे क्योंकि जैसे जैसे तुम्हारा एसिडिटी बढ़ेगा उसमें मतलब कि कार्बोनेट जो है वो उसका जो पीएच है उसको बैलेंस रखेगा और इस तरह से जो तुम्हारा प्रोडक्ट है उसकी लॉन्गिविटी जो है वो बढ़ती जाएगी. सो दिस लिक्विड कल्चर रिमेन पॉपुलर अंटिल रिसेंटली इवन दे हैड रिलेटिवली शॉर्ट लाइफ ड्यू टू लॉस ऑफ सेल वायबिलिटी एंड फर्मेंटेटिव एक्टिविटी. स्टार्टर कल्चर के प्रॉब्लम में तुम देखोगे कि स्टार्टर कल्चर जो है वो उसकी वायबिलिटी कम होती है और उसकी फर्मेंटेटिव एक्टिविटी भी कम रहती है तो इसलिए टाइम टू टाइम हम लोग उसको रिवाइव करते हैं. इसी तरह और भी इसके जो है मतलब कि बाद में जो मॉडर्न जो स्टार्टर कल्चर जो शुरू हुआ और इसका मतलब कि लार्ज स्केल पे शुरू हुआ बार बार करके आएगा मैं. अब आ जाओ रोल ऑफ फर्मेंटेशन इन फूड. मतलब बेसिकली जो हम लोग स्टार्टर कल्चर में क्या करवाते हैं फर्मेंटेशन कराते हैं और फर्मेंटेशन का अगर डेफिनेशन तो तुम लोग सबको पता होगा ना कि फर्मेंटेशन का डेफिनेशन क्या है. एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें या एक मतलब कि ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि एक रिडॉक्स ऑक्सीडेशन प्रोसेस है जिसमें कि जो एन जो टर्मिनल जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है वो ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है. मतलब डोनर भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है एन एक्सेप्टर भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है. ये तो एक कॉम्प्लेक्स एक डेफिनेशन हुआ जो कि टेक्निकली फर्मेंटेशन को हम लोग इस तरह से डिफाइन करते हैं. बट फर्मेंटेशन इज नथिंग. फर्मेंटेशन में क्या करते हैं कि किसी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो भी तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट वाला जो सब्सट्रेट होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड प्लस अल्कोहल का फॉर्मेशन करता है. सो कहीं कहीं पे अल्कोहल बनता है कहीं कहीं पे लैक्टिक एसिड बनता है ठीक है. किस तरह का तुम्हें प्रोडक्ट चाहिए उस तरह का तुम्हारा सब्सट्रेट एंड उस तरह का तुम्हारा रिएक्शन यूज करना होगा. अब इस फर्मेंटेशन का हमारे मतलब कि क्या फूड में वैल्यू ये तो बताने की जरूरत है. तुम लोग डोसा खाते हो इडली खाते हो और सभी किसी को पता है कि जो फर्मेंटेशन फर्मेंटेटेड जो प्रोडक्ट होता है वो हम लोग ज़्यादा अच्छे से खाते हैं उसका टेस्ट बढ़ा हुआ रहता है. फॉर एग्जांपल दही. अगर किसी किसी को दूध नहीं पसंद है मुझे नहीं लगता कि दूध किसी को पसंद आता होगा खासकर बच्चों को तो बिल्कुल नहीं पसंद आता. हम बड़े तो उसको हाँ हम बड़े उसको एज ए
मेडिसिन पी लेते हैं बट अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन अगर दही की बात करूँ तो दही अच्छा लगता है, दही में हम चूरा डाल के खाते हैं है ना, और दही को ऐसा चलो चीनी भी खा लेते हैं, और देखते हुए कि दही का जो फ्लेवर है वो मतलब कि बहुत अच्छा लगता है, मतलब हम लोग दही आराम से प्यार से खा लेते हैं, ठीक है ना। तो यही पे एक एग्जाम्पल हो गया कि जो फर्मेंटेशन है वो फूड का फ्लेवर बढ़ाता है, फूड का टेस्ट बढ़ाता है, एरोमा बनाता है। और जहाँ डाइजेस्टिबिलिटी की बात करें, तुम देखोगे कि दूध पियोगे तो तुम्हें थोड़ा भारी भारी सा लगेगा, लेकिन जब तुम दही खा लोगे तो तुम्हें बहुत लाइट लाइट सा लगेगा। तो इसका मतलब है कि ये जो फर्मेंटेशन है वो तुम्हारे डाइजेस्टिबिलिटी में भी ऐड करता है ना। अब तो ये तो जो तुम्हारा पहला पॉइंट है कि इनरिचमेंट ऑफ ह्यूमन डाइट थ्रू वाइड वैरायटी ऑफ फ्लेवर्स, एरोमा, टेक्सचर एंड टेक्सचर ऑफ फूड है ना, ये जस्टिफाई करता है। अदर जो फूड की बात करें, जैसे डोसा एंड इडली की भी बात करें, तुम लोग खाते हो आराम से, चावल दाल खाओगे हैवी लगेगा, लेकिन अगर डोसा खा लेते हो विदाउट आलू, अब हम लोग उसको हैवी कर देते हैं, आलू वगैरह डाल के हैवी कर देते हैं, बट अगर तुम पेपर डोसा खाओगे बिना आलू के खाओगे तो देखोगे कि तुम खाओगे तो काफ़ी लाइट लगेगा। इसी तरह हम लोग जो इडली खाते हैं, इडली मतलब कि वो भी काफ़ी हमारा डाइजेस्टिबिलिटी उसकी ज़्यादा होती है ना। और साथ के साथ अब जैसे देखो, ये तो एक ह्यूमन डाइट का वैल्यू बढ़ाए, फ्लेवर एरोमा एंड टेक्सचर को बढ़ाने के साथ साथ ये क्या करता है कि प्रिजर्वेशन भी करता है, क्योंकि जो फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है उसमें कई तरह के प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे लैक्टिक एसिड, अल्कोहल, एसिटिक एसिड है, ये सब बनते हैं। तो ये क्या करता है, ये सब जो होता है ना, एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव की तरह एक्ट करता है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, जैसे तुमने अचार बनाया तो आम वगैरह को तो तुम रखोगे तो पक के सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन वही तुम आम को अगर एक अचार के फॉर्म में तुम डालते हो और उसको पैक करके और उसको रखते हो तो देखोगे कि वो काफ़ी सालों तक, हम लोग 4-4 5-5 साल तक उस आम के अचार को खाते रहते हैं। इसी तरह जैम जेली की बात करो, जैम जेली वगैरह भी जो है वो उसमें हम लोग जो उसको काफ़ी दिनों तक हम लोग इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो मतलब कि फर्मेंटेशन है, ये प्रिजर्वेशन के साथ साथ उसकी सेल्फ लाइफ को भी ये बढ़ाता है। इसी तरह ये कई तरह के मतलब कि प्रोटीन, एसेंशियल एमिनो एसिड्स को ड्यूरिंग फर्मेंटेशन प्रोसेस को रिलीज करता है, जो कि फूड की बायो इनरिचमेंट करता है। कई तरह के जो फूड फर्मेंटेटिंग प्रोसेसिंग है उसकी डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है। जैसे इसका बेस्ट एग्जाम्पल जैसे तुम दूध में ही देख लो, तो दूध जो है वो हम उसमें कई लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है, जैसे मेरी सिस्टर को है लैक्टोज इंटॉलरेंस, दूध पीती है तो उसके ना मतलब कि पेट खराब होना शुरू हो जाता है, तो फिर उसको बोला कि दूध से उसको एलर्जी हो गया हो सकता है उसको जो दूध में जो लैक्टोज शुगर है उसको एडजस्ट नहीं कर पाती है। लेकिन जो लैक्टोज इंटॉलरेंट ऐसे पर्सन को हम लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट पर्सन बोलते हैं, जो कि दूध में जो लैक्टोज होता है उसको वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता। तो इस केस में क्या कहता है डॉक्टर जो है उसको बोलता है कि आप दूध डायरेक्ट दूध ना पिए, आप उसके फर्मेंटेशन प्रोडक्ट को ले सकते हैं, आप पनीर को ले सकते हैं, दूध को फाड़ के आप पनीर को ले सकते हैं, या दूध से जो दही बनता है वो आप ले सकते हैं, बटर मिल्क वगैरह आप ले सकते हैं, आप डायरेक्ट दूध ना लें, ठीक है ना। तो ये क्यों, क्योंकि जो दूध में डायरेक्ट लैक्टोज होता है, जबकि दही में अगर देखा जाए तो लैक्टिक एसिड होता है, यानी कि वो फर्मेंटेटिव प्रोडक्ट है, एंड जो लैक्टोज है जो कि हैवी मॉलिक्यूल के रूप में आता है उसको ब्रेक करके लैक्टिक एसिड में चेंज कर दिया जाता है। तो इस तरह से जो लैक्टोज इंटॉलरेंस की भी जो बीमारी है, अगर फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है तो उस चीज़ को हम लोग कोप कर सकते हैं। यानी कई तरह की डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस, न्यूट्रिशनल एंड फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स, ऑब्वियसली जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्रीज करेगा और कई तरह के हमें न्यूट्रिएंट बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट मिलेंगे तो हमारा न्यूट्रिशनल एंड फिजियोलॉजिकल बेनिफिट्स भी मिलेगा, है ना। जो जीआई ट्रैक्ट है ना, सेटलिंग इफेक्ट ऑन जीआई ट्रैक्ट, हमारा जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या इंटेस्टाइन है उसमें कई तरह के हार्मफुल बैक्टीरिया रहते हैं। तो जैसे अभी भी हम लोग, मैं तो कोरोना से निकले तो उसमें जैसे डॉक्सीसाइक्लिन खाया मैंने, एंटीबायोटिक था, लेकिन उसके साथ मैंने देखा कि उसमें ना दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लैक्टोबैसिलस एंड एक बैसिलस, ये शायद दो दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उसमें कुछ कॉम्बिनेशन भी था, है ना, जो कि हाँ, तो वो एक वो प्रोबायोटिक के साथ था। मतलब कहने का मतलब कि एक तरफ तो हम क्या कर रहे हैं कि किसी एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो वो हमारे जितने भी नेचुरल माइक्रो फ्लोरा है उस पर भी एक्ट करेगा, वो मारेगा, जो कि हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो क्योंकि एंटीबायोटिक खा रहे हैं तो वो तो बैक्टीरिया के साथ साथ हमारे जो नेचुरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको भी किल करेगा। तो क्या किया डॉक्टर ने कि उसके साथ साथ ना कुछ हमारे जो बेनिफिशियल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका भी डोज साथ के साथ दे दिया। एक तरफ एंटीबायोटिक मरेगी तो हमारी तरफ जो हमारे अंदर जो 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 लैक्टोबेसिलस या जो भी जो बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका जो ग्रोथ है वो बैलेंस रहे, और इस तरह हमारा बॉडी जो है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल कंडीशन से नहीं गुजरे।
इम्प्रूवमेंट ऑफ बोवल मूवमेंट, ये सभी किसी को पता है कि जब हम दही खाते हैं तो हमारा बोवल मूवमेंट भी ज़्यादा अच्छा से होता है। कैंसर वगैरह के सप्रेशन में भी कई रिपोर्ट ऐसे बताए गए हैं कि करता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को ये कम करता है, ट्यूमर वगैरह ये सारे स्टडी किए गए कि ये ट्यूमर वगैरह को भी सप्रेस करने में हेल्प करता है। एंड इट्स सुपरेबल फॉर लैक्टोज इंटॉलरेंट पीपल, ये तो हमने ऑलरेडी बता चुके। देखो ऐसे बार बार बीच बीच में होंगे ना तो बहुत गड़बड़ है। अब क्या करता, रोल फंक्शन क्या है स्टार्टर कल्चर का, अगर तुम्हें क्वेश्चन ही आ जाए कि राइट डाउन द रोल एंड फंक्शन ऑफ स्टार्टर कल्चर, तो बस यही है कि ये स्टार्टर कल्चर क्या करेगा, एसिड प्रोडक्शन करवाता है, फ्लेवर प्रोडक्शन करवाता है, एसिड प्रिजर्वेटिव की तरह एक्ट करता है, ये गैस फॉर्मेशन करता है। अब ये गैस फॉर्मेशन किस किस तरह से हेल्प करता है ये भी इसमें तुम्हें देखना है। ये एज ए स्टेबलाइजर की तरह एक्ट करता है, ये लैक्टोज को यूटिलाइज करता है, रिडॉक्स पोटेंशियल को कम करता है, प्रोटीनोलिसिस एंड लाइपोलाइसिस प्रोसेस जो है वो स्टार्टर कल्चर में होता है। तो ये एसिड प्रोडक्शन कई जो ऐसे प्रोडक्ट है तो जिसमें जेल फॉर्मेशन की जरूरत होती है, तो या कर्ड ही कह लो, तो जब तक एसिड नहीं बनाएगा दूध से दही नहीं बनेगा। तो यहाँ पे एसिड प्रोडक्शन का रोल हो गया जेल में एक्सपल्शन सिनर्सिस ऑफ वे फॉर टेक्सचरिंग, है ना। अब टेक्सचरिंग के लिए हमारा जरूरी है कि सारा जो प्रोटीन है वो एक तरह से हो जाए, जैसे दही में ही अगर देखा जाए तो दही में सारे जो दूध के जो मॉलिक्यूल है आपस में नहीं जुड़ेंगे तो उसका एक एक टेक्सचर नहीं आएगा। तो ये क्या करता है, वे को एक्सपेल करता है, एसिड प्रोडक्शन होता है, उसमें देखोगे कि पानी के रूप में तुम्हारा वे जो है वो बाहर निकल जाता है, मिल्क के प्रिजर्वेशन में हेल्प करता है एंड ये डेवलपमेंट ऑफ फ्लेवर में भी हेल्प करता है। अब इसी तरह ये जो फ्लेवर है कई तरह के डाई एसिटाइल एंड एसिटाल्डिहाइड का प्रोडक्शन करता है, जिसका कि तुम बेस्ट एग्जाम्पल दही में ही देख सकते हो, जो तुम बाहर का दही जो योगर्ट कहते हो, अगर बाहर का तुम दही लाओगे तो उसमें कुछ अच्छे अच्छे खुशबू भी तुम्हें मिलेंगे, और दैट इज नथिंग दैट इज डाई एसिटाइल एंड एसिटाल्डिहाइड कॉम्पोनेंट्स। इसी तरह यह एक प्रिजर्वेशन की तरह भी एक्ट करता है, कई तरह के लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन करता ही है, कई तरह के एंटीबायोटिक्स का भी प्रोडक्शन करता है, H2O2 का प्रोडक्शन करता है, एसिटेट का प्रोडक्शन करता है एंड ड्यूरिंग तुम्हारा फर्मेंटेशन ये pH एंड रिडॉक्स पोटेंशियल का लोअरिंग डाउन करता है, और इस तरह से ये मतलब कि एक फूड को एक प्रिजर्वेटिव की तरह भी एक एक्टिविटी ये प्रोवाइड करता है। ये स्टार्टर कल्चर में तुम्हारा गैस फॉर्मेशन भी होता है, और इस गैस फॉर्मेशन का बेस्ट एग्जांपल तुमने देखा होगा कि जो हम लोग कुछ चीज जिसको ब्लू जो आइट चीज ब्लू वाइट चीज वगैरह तुम लोगों ने पढ़ा होगा चीज वगैरह की क्लास में, तो यहाँ पे आई जैसे नॉर्मल चीज में तुम देखोगे ना जो कुछ उसमें भी तुम देखोगे कि ऐसे आई आई सा बना हुआ रहता है, तो ये गैस प्रोडक्शन स्टेबलाइजर की तरह भी एक्ट करता है। ये तुम्हारा बॉडी एंड विस्कोसिटी को डेवलप करता है, जैसे पॉलीसेक्राइड मटेरियल्स कई चीज़ों में हम लोग पॉलीसेक्राइड मटेरियल डालते हैं, जैसे दही में ही उसके टेक्सचर को इम्प्रूव करने के लिए आजकल बड़ा उसमें इनकॉर्पोरेट किया जाता है, स्वीट पोटैटो को इनकॉर्पोरेट किया जाता है, सिंघारे को इनकॉर्पोरेट किया जाता है, तो दैट इज नथिंग दैट इज पॉलीसेक्राइड्स मटेरियल जो कि अल्टीमेटली उसके विस्कोसिटी को ऐड करता है और उसके टेक्सचर को इम्प्रूव करता है। इसी तरह ये लैक्टोज यूटिलाइजेशन में हेल्प करता है, तो कह रहा है कि गैस एंड नॉन फ्लेवर को रिड्यूस करता है एंड ये लैक्टोज इंटॉलरेंट पीपल के लिए बहुत ही बेस्ट होता है। रिडॉक्स पोटेंशियल को हेल्प करता है जो कि अल्टीमेटली प्रिजर्वेटिव की तरह एक्ट करता है एंड ये फ्लेवर के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। प्रोटीनोलिसिस एंड लाइपोलाइसिस करता है, ये ड्यूरिंग फर्मेंटेशन तुम्हारा प्रोटीन भी ब्रेक डाउन करता है एंड लिपिड भी तुम्हारा ब्रेक डाउन करता है, दैट इज अल्टीमेटली हेल्पफुल इन राइपनिंग एंड मैच्योरेशन ऑफ चीज प्रोसेस। तो अगर तुम्हें आ जाए, अगर 5 नंबर के क्वेश्चन में भी तुम्हें आ जाए कि भाई राइट डाउन द रोल एंड फंक्शन ऑफ स्टार्टर कल्चर, तो उसको थोड़ा सा वर्ड में अगर एक्सप्लेन कर दोगे, इतने सारे तुम्हारे पास पॉइंट है, है ना, इसको तुम अगर वर्ड में भी एक्सप्लेन कर दोगे तो ये तुम्हारा 5 नंबर का क्वेश्चन के लायक, इसको तुम लोग अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है ना। Yes, ma'am. अब आ जाओ इसका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन बहुत बेसिस पे किया गया है तुम्हें, मतलब कि टैक्सोनॉमिक ग्रुप पे भी किया गया और भी इसके कई तरह के इसके इफेक्ट पे भी किया गया, जिसको कि वन बाय वन हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें क्लासिफिकेशन एज पर बर्जिस मैनुअल के अकॉर्डिंग जो है तो लैक्टोज यूटिलाइजेशन पे किया गया, जिसके अकॉर्डिंग इसको रोड्स कोकाई बैक्टीरिया ईस्ट इतने सारे इसके ग्रुप है। जैसे रोड में लैक्टोबैसिलस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ रोड्स से बैक्टीरिया। इसी तरह कोकाई की बात करो तो स्ट्रेप्टोकोकस ल्यूकोनोस्ट्रेपिडियोकोकस हमारे राउंड शेप बैक्टीरिया होते हैं, और अगर बैक्टीरिया की बात करो तो बिफिडोबैक्टीरिया भी अच्छी तरह पता है कि उसको हम लोग एज ए प्रोबायोटिक के रूप में इसका बहुत यूज हो रहा है, ब्रीवी बैक्टीरिया साइटोबैक्टेरियोसिटी प्रोपाइनोबैक्टीरियम ये सब जो है वो चीज़ वगैरह में यूज होते हैं। कुछ ईस्ट भी यूज होते हैं जिसमें कि कैंडिडा लिगरोमाइसिस टोरिलेप्सिस एंड साइक्रोमाइसिस द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इस्ट। मोल्ड में भी पेनिसिलियम जिसका कि हम लोग ब्लू
चीज में यूज करते हो, पेनिसिलिन पेनिसिलिन कैमाबाटी, एस्परजिलस का भी एग्जांपल, एस्परजिलस का भी एग्जांपल पेपर से होता है, म्यूकर एंजियोट्राइकम कैंडिडम, इन सारे जो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं बैक्टीरिया यीस्ट एंड इन सब का यूज जो है वो स्टार्टर कल्चर में होता है। तो अकॉर्डिंग टू बर्जेस मैनुअल ये तुम क्लासिफिकेशन लिख सकते हो। कुछ जो क्लासिफिकेशन है वो इम्पोर्टेंट ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया पे भी किया गया, जैसे कि जो हमारा स्टार्टर कल्चर में जो सबसे जो इम्पोर्टेंट बैक्टीरिया है वो तुम्हारा लैक्टोकोकस है, और ये लैक्टोकोकस में इसका ये जो है ना, ये इसका एक एक जैसे जीनस का तुम्हें क्लासिफिकेशन वगैरह पूछ सकता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक पूछ सकता है। तो इसमें तुम्हें कुछ रखना पड़ेगा है ना, कि आइडेंटिकल आइसोब्रोनाइड, मतलब सारे लैक्टोबैसिलस को किस आधार पर रखा गया। तो वैसे लैक्टोबैसिलस जिनका कि आइडेंटिकल आइसोब्रोनाइड क्विनिन्स एंड जो एंजाइम फॉस्फेटेज का प्रोडक्शन कर सकते हैं, और इनडिस्टिंग्विशेबल लैक्टिक डिहाइड्रोजनेस कर सकते हैं, इनमें गुआनिन एंड साइटोसिन, मतलब ये सारा बेसिस है उनको एक जगह करने का, जो लिक्विनस लैक्टोकोकस है उसमें ये सारे इन सारे बेसिस पे उनको उनके जीनस को आइडेंटिफाई किया गया है ना, हाई डीएनए होमोलॉजी एंड प्लाज्मिक कंट्रोल रिएक्शन। अब इसमें तुम्हारा लैक्टोकोकस लैक्टिस सब स्पीसीज लैक्टिस एंड एसिड प्रोड्यूसर बट नॉन एसिड प्रोड्यूसर, दो ग्रुप में इसको डिफाइन किया गया, जैसे लैक्टोकोकस लैक्टिस सब स्पीसीज प्रिमोरिस, ये एसिड प्रोड्यूसर होता है लेकिन ये नॉन फ्लेवर प्रोड्यूसर होता है। इसी तरह लैक्टोकोकस लैक्टिस सब स्पीसीज लैक्टिस बायोबराइड डाइएसिटालेक्टिकस, ये डाइएसिटालेक्टिकस से पता है कि ये जो तुम्हारा फ्लेवर का प्रोडक्शन करेगा। तो दो नंबर में हो सकता है कि तुम्हें लैक्टोकोकस लैक्टिस सब स्पीसीज क्रिमोरिस, लैक्टोकोकस लैक्टिस तुम्हारा सब वैरायटी डाइएसिटालेक्टिकस के बारे में दिखा दिया जाए कि डिफ्रेंशिएट करो। तो बस यही दो कैरेक्टर है जिसमें तुम आराम से लिख सकते हो कि वन इज द एसिड प्रोड्यूसर बट नॉन फ्लेवर प्रोड्यूसर, अदर इज द फ्लेवर प्रोड्यूसर बट एसिड एंड फ्लेवर प्रोड्यूसर। इसी तरह जो तुम्हारा दूसरा जीनस है, ये सारा तुम्हारा रटने की चीज है, और ये जो तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक दिया गया कि ये जो सरमन ने किस आधार पर उसको आइडेंटिफाई किया गया, तो सरमन ने उसको पायोजेनिक विरिडियंस इंट्रोकोकस एंड लैक्टिक के मतलब चार ग्रुप में उसको किया था, और दे ऑल आर होमो फर्मेंटेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म। होमो फर्मेंटेटिव का मतलब है कि ये ओनली लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन करते हैं, और हेट्रो फर्मेंटेटिव का मतलब हो गया कि लैक्टिक एसिड के अलावा भी एक दो उसमें और भी प्रोडक्ट्स बनते हैं। सो द स्ट्रेप्टोकोकस आर द होमो फर्मेंटेटिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसी तरह तुम्हारे ल्यूकोनोस्टक की बात करें तो ये ल्यूकोनोस्टक जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करता है, एंड उसका जो ल्यूकोनोस्टक का यूज जो है वो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के साथ किया जाता है, मिक्स स्ट्रेन कल्चर में, मिक्स कल्चर में जहाँ की चीज़ का प्रोडक्शन के लिए हमें फ्लेवर की भी जरूरत पड़ती है, और इसमें क्रिमोरिस ट्रोवरम एंड डेक्सट्रेनिकम, दीज आर द थ्री एग्जांपल ऑफ ल्यूकोनोस्टक। इसी तरह लैक्टोबैसिलस है, लैक्टोबैसिलस तो मोस्ट कॉमनली यूज होता है, और इसमें जो है वो लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस प्रोबायोटिक कल्चर के लिए यूज होता है, एंड इसमें भी तीन जो ग्रुप है इसमें तुम्हारा ये अकॉर्डिंग टू फर्मेंटेशन इसको डिफाइन किया गया, ऑब्लिगेट होमो फर्मेंटेटिव, फैकल्टेटिव होमो फर्मेंटेटिव एंड ऑब्लिगेट हेट्रो फर्मेंटेटिव ग्रुप है ना। तो ये सब तुम रट लेना, ओरला जेंसन ग्रुप है ये, मतलब कि रटने का चीज है ना, कि इसमें क्या क्या ग्रोथ है। 15 डिग्री से थर्मोबैक्टीरियम जो होता है 15 डिग्री पे नहीं, बट स्ट्रेप्टोबैक्टीरियम एंड बीटा बैक्टीरियम जो है 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे दिखाता है। थर्मोबैक्टीरियम ऑब्वियसली थर्मस नाम है इसका, यानी कि हाई टेम्परेचर, यानी कि ग्रोथ इसका कैरेक्टरिस्टिक दिखेगा, स्ट्रेप्टोबैक्टीरियम का नहीं, बट बीटा बैक्टीरियम का दिख भी सकता है नहीं भी दिख सकता है ना। इसी तरह पेंटोस फर्मेंटेशन ये नहीं करता है, सब ये करता है, ये करता है। ग्लूकोज से कार्बन डाइऑक्साइड ये नहीं बनाता है, ये भी नहीं बनाता है, ये बनाता है। ग्लूकोनोट से ये नहीं बनाता है, ये बनाता है, ये बनाता है। फॉस्फोकोटिलोज जो है इसमें एबसेंट होता है, इसमें जो है वो प्रेजेंट होता है, इसमें भी प्रेजेंट होता है। सो दीज आर द अकॉर्डिंग टू फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज तुम्हारा क्लासिफिकेशन है। अदर ग्रुप इज बिफिडोबैक्टीरियम, बिफिडोबैक्टीरियम भी जो है इसका काफ़ी यूज होता है, एंड बिफिडोबैक्टीरियम जो है वो नेचुरल इनहेबिटेंट होता है इन द गट्स ऑफ इन्फेंट्स, इंटेस्टाइन्स ऑफ मैंस, वेरियस एनिमल एंड हनीबी। और इस बिफिडोबैक्टीरियम का यूज जो है वो आजकल बहुत ही ज़्यादा मतलब दवाओं के रूप में हो रहा है, दवाएं इन द सेंस प्रोबायोटिक के रूप में हो रहा है ना। और स्टार्टर कल्चर में भी इसका जो है वो यूज हम लोग यगर्ट एंड एसिडोफिलस मिल्क जैसे बता दिया। देखो याकोल्ट स्टार्टर कल्चर में बिफिडोबैक्टीरियम का यूज होता है, और इससे जो प्रोडक्ट्स बनते हैं ये कई बायोघट के रूप में, बायोग्रेड बिफिहट
कल्चर आए भी या कोल्ट मीर मोर इन सब जो प्रोडक्ट्स हैं ये वेरियस कंट्री जो है वो अपना बनाती है एज ए प्रोबायोटिक ड्रिंक के रूप में, जिसमें कि बिफिडोबैक्टीरियम का यूज होता है। ग्रो टेम्परेचर 37 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, और इसके लिए एनारोबिक कंडीशन चाहिए, और इसमें जब तुम बिफिडोबैक्टीरियम से मिल्कर फर्मेंटेशन कराओगे तो उसमें डिस्टिंक्ट विनेगर टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ सकते हैं कि अगर मान लीजिए कि तुम्हें एक डिस्टिंक्ट विनेगर टेस्ट आया तो इट इज ओनली ड्यू टू दिस बैक्टीरिया, बिफिडोबैक्टीरियम वो डाल देना उसमें। इसी तरह तुम्हारा प्रोपाइनोबैक्टीरियम यू ऑल नो कि ये तुम्हारा कहाँ यूज होता है, ये गैस ऑयल प्रोडक्शन के लिए यूज होता है, राइपनिंग एंड मैच्योरेशन ऑफ चीज के लिए। एंड ब्रिफिबैक्टीरियम जो होता है ये तुम्हारा राइपन चीज मतलब सरफेस, आगे तुम जब प्रोडक्ट वाइज पढ़ोगे तो देखोगे स्टार्टर कल्चर का है जो सरफेस में यूज होता है, अंदर यूज होता है, तो ये एज ए सरफेस कल्चर के रूप में यूज होता है। और ये इट इज पार्ट डिस्टिंक्ट दैट इज ऑरेंज कलर ड्यू टू विन द फॉर्मेशन ऑफ ब्रिक लिम्बर्गर चीज अंदर। ये सारा जो है ना कुछ अगर कोई करेक्टरिस्टिक फीचर तुम्हें जो दिखा रहा है उसको तुम लोग अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि इसको हम लोग कैनियनली ब्लैंक्स देख सकते हैं। इसी तरह मोल्ड एंड ईस्ट है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना। व्हाइट मोल्ड यू ऑल नो कि व्हाइट मोल्ड जो है ना, ब्लू मोल्ड भी तुम्हें पता है कि पेनिसुला में एक जो अदर मोल्ड है म्यूकर एस्परजिलस जो ट्रैकम ये सारे जो है यूज होते हैं, ईस्ट भी यूज होता है काफ़ी रन क्यूमिस के लिए, काफ़ी ग्रीन में ये सारे प्रोडक्ट्स जब तुम बार मतलब कि प्रोडक्ट वाइज जब पढ़ोगे तो इसमें तुम्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का दिख जाएगा कि ईस्ट एंड मोल्ड उसमें यूज होता है। अब आगे तुम्हारा कि पर्पज ऑफ प्रोपेगेशन ट्रेडिशनल मेथड एडवांटेज एंड लिमिटेशन, क्या मतलब हमारा पर्पज है स्कैटर कल्चर के। ये नेट प्रॉब्लम हो रहा है, ये बार बार जा रहा है आ रहा है, नेट प्रॉब्लम हो रहा है, नेट प्रॉब्लम हो रहा है, हो सकता है ना। तो क्या पर्पज है प्रोपेगेशन का स्टार्टर कल्चर का, ट्रेडिशनल मेथड्स क्या है, ट्रेडिशनल मेथड्स के मेथड्स के एडवांटेज एंड लिमिटेशंस क्या है। तो एम ऑफ प्रोपेगेशन इज टू मेंटेन प्योर कल्चर, ऑब्वियसली तुम्हारा जो स्टार्टर कल्चर है वो प्योर होना चाहिए अगर उसमें किसी तरह का कॉन्टामिनेशन आए, क्योंकि तुम किसी सब्सट्रेट में डाल रहे हो और उस प्रोडक्ट को तुम खाने के लिए यूज कर रहे हो तो उसमें किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो फर्स्ट एम ऑफ प्रोडक्शन ऑफ क्या होना चाहिए हमारा स्टार्टर कल्चर का, कि वो कल्चर जो है वो हमारा प्योर होना चाहिए एंड वो कल्चर मरे भी नहीं। कई बार ऐसा है कि हम लोग कल्चर को ला के उसको मतलब किसी भी कोल्ड स्टोरेज में हम लोग रख देते हैं, उसको हम लोग फ्रीजिंग कंडीशन में रख देते हैं और वो कल्चर जब हम लोग यूज़ करते हैं किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए तो वो एक्टिवेट ही नहीं होता है ना, क्योंकि वो उसकी वायबिलिटी जो है वो लॉस हो जाती है। तो जो कल्चर को मेंटेन करने के लिए हमें तो एक तो उसकी प्योरिटी हमेशा मेंटेन करनी पड़ेगी, उसको सब कल्चर हमें करना पड़ेगा और सब कल्चर करके हम उसकी लॉस ऑफ वायबिलिटी से भी बचा सकते हैं और उसकी प्योरिटी को भी हम लोग मेंटेन कर सकते हैं। सो इसीलिए इस कल्चर की प्योरिटी एंड उसके किसी भी वायबिलिटी को लॉस से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसको एक स्मॉल स्टॉक कल्चर में हम लोग रखते हैं, छोटा सा। जैसे तुम लोगों ने देखा होगा कि लैब में माइक्रोबायोलॉजी की लैब में ही अगर तुमने कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो किया होगा तो उसको हम लोग क्या करते हैं कि एक स्लांट बनाते हैं, है ना, टेस्ट ट्यूब में ऐसे आधार का मीडिया डाल के और उसको एक स्लांटिंग पोजिशन में रख देते हैं और उसमें हम लोग थोड़ा सा स्ट्रिक करके उस पर कैप लगा के उसको फ्रीजर कंडीशन में डाल देते हैं। और बाद में जब हमें लार्ज वॉल्यूम की ज़रूरत पड़ती है तो वही इतना जो छोटा सा जो तुम्हारा स्टॉक कल्चर है उस स्टॉक कल्चर से हम लोग कितने ही ml और कितने ही 1000 हम लोग लीटर जो है वो उस एक छोटे से स्टॉक कल्चर से हम लोग बना सकते हैं। तो ये स्टॉक कल्चर इज नथिंग, स्मॉल जो अमाउंट ऑफ जो इनोकुला है उसको हम लोग प्योर फॉर्म में जो प्रिजर्व करते हैं उसको हम लोग स्टॉक कल्चर करते हैं, है ना। और उसी स्टॉक कल्चर को हम लोग बार बार रिवाइव करते हैं ताकि उसकी जो प्योरिटी है एंड वायबिलिटी भी बनी रहे। सो फर्मेंटेशन प्रोसेस ऑफ एनी कल्चर डेयरी प्रोडक्ट रिलाइज ऑन प्योरिटी एंड एक्टिविटी ऑफ स्टार्टर कल्चर, ये तुम्हारा फिर इंडी ब्लाइंस में आ सकता है। प्योरिटी एंड एक्टिविटी ये दो इंपॉर्टेंट चीज है, तो उसकी प्योरिटी भी मेंटेन होनी चाहिए एंड वो एक्टिव रहे, वो लॉस नहीं हो। चलो इस चैप्टर खत्म नहीं किया क्या, ठीक है। ये एक क्लास तुम्हारा खत्म हुआ, अभी दूसरा देखते हैं, ठीक है। ठीक है मैम। अच्छा अभी इसमें थोड़ा सा अगर कुछ पूछना है तो तुम लोग पूछ लो।